हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम और हो चुका है और मेंस का जो एग्जाम है वो काफी गैप के बाद में है। मोर और लेस 2.5 मंथ से 28 फेब को आपका मेंस का एग्जाम है। इन जनरल इतना गैप नहीं हुआ करता है, तो इसको लेके काफी बच्चों की क्वारीज आ रही है फॉर रिजल्ट। कब रिजल्ट आएगा, एग्जाम और डिलेड हो रहा है, किस तरह से इस पीरियड को प्लान करें। तो आज के सेशन में इसी को लेके डिटेल में डिस्कस करें। एक अपने सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा आपसे शेयर चाहेंगे, फेवर चाहेंगे। अनअकैडमी जो अपना पुराना स्पॉन्सर है उसने एक अनअकैडमी चैंपियंस लीग के नाम से एक कोर्स शुरू किया है, लीग शुरू की है, कुछ भी इसको माने आप। और ये फॉर वॉट, किसके लिए है? ये है महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर बी फार्मा एंड बीटेक एडमिशन। तो ये आपके लिए नहीं है, बट आपके घर में जैसे आपके यंगर ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कजन्स हैं, आपके कोई नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो जो 12th स्टैंडर्ड पास वाले जो बच्चे इसमें ले सकते हैं, 12th ऑन गोइंग जो बच्चे हैं वो इसमें ले सकते हैं। तो इसमें जो दिया है इन्होंने, एक अभी इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, वो एक फ्री टेस्ट ये अभी आ रहा है 19 दिसंबर, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें पार्टिसिपेट करो, राइट। और उसमें कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, और साथ ही वर्चुअस का अपना कोड भी यूज करना ताकि आपको 10% की रिबेट भी मिल पाए। और अगर आप देखें इसका डिटेल है पूरा, ये 19 दिसंबर 2020 को बिल्कुल एक्सक्लूसिव फ्री एक इन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट रखा है। इसके लिए आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आगे टेस्ट में एनरोलमेंट के लिए आपके ऑप्शंस ओपन होते जाएंगे। भी आप पीसीएम वाले बच्चे हैं, पीसीबी भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो उसके अकॉर्डिंग और किस में किस स्ट्रीम में आपको आगे चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बायो एंड मैथ बोथ होती है, तो उनके लिए ड्यूअल ऑप्शन भी होता है। और इनमें सभी कुछ उनकी टाइमिंग्स, पीसीएम के बच्चों के लिए टाइमिंग्स, दूसरे जो पीसीबी वाले बच्चों के लिए टाइमिंग सब दिया हुआ है। और इस टेस्ट में अच्छी चीज ये है कि जो भी टॉप 50 बच्चे जो होंगे उनको अच्छी खासी अट्रैक्टिव प्राइजेज हैं, स्कॉलरशिप है, फ्री अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है। तो इसमें मत चूकी, इसमें जो भी आपके नेबर्स के बच्चे हैं, रिलेटिव्स के हैं, आपके कजन्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। अच्छा मौका है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है और इसको अपने को बिल्कुल ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। और जो भी बच्चे जैसे महाराष्ट्र में ये जो स्कोर है इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MST CET का जो स्कोर है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो अप्लीकेबल है ही, जो टॉप महाराष्ट्र की जो टॉप कॉलेजेस हैं प्राइवेट उनमें भी ये वेल है। चलिए अब अपने मेन जो जिसके लिए सेशन लेके आए हैं उसकी डिस्कशन करें। तो अभी देखिए अपना प्री एग्जाम हो गया, प्री एग्जाम आपका 12th दिसंबर को और हो गए, और मेंस का जो एग्जाम है ये आपका 28 फेब को है। तो आप देखिए इसमें जो गैप है वो मोर देन प्लस 2.5 मंथ्स, मोर देन 2.5 मंथ्स। इन जनरल ये क्या होता है कि करीब करीब आपका प्री का एग्जाम होता है, करीब करीब 3 वीक्स के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके 2 टू 3 वीक्स बाद में एग्जाम। तो 1.5 मंथ से भी, 1.5 से भी थोड़ा सा कम टाइम इन दोनों एग्जाम्स के बीच में होता है, जो अब की बार 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम बढ़ गया। तो इसमें पॉजिटिव जो चीज मैं देख रहा हूं वो है स्पेसिफिकली ये कि अभी आपके जो तीन बड़े बैंक है, PNB है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा है और इंडियन बैंक, इन तीनों बैंक्स ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की थी। तो अपने ये मान के चले कि जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है ड्यू टू दैट, जैसे PNB की तो अभी रूमर आ रही है काफी कि वो करीब 3.5 थाउजेंड, 3,500 के आसपास वैकेंसीज रिपोर्ट बहुत जल्द कर रहा है। तो अपने ये मान के चलें कि जो ये अब ये टाइम इनको सफिशेंट है रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट आप मान के चलिए कि फरवरी 1 वीक से पहले रिजल्ट देने की जल्दबाजी ये क्यों करेंगे जब इनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं है IBPS पे, क्योंकि दूसरी और भी एग्जाम कंडक्ट करवानी है और है, तो ये बहुत ज्यादा फोकस उस रिजल्ट पे आई थिंक नहीं करेगा। मेरा मानना है कि फरवरी 1 वीक तक रिजल्ट आएगा। तो इसको जो ये टाइम मिला जब रिजल्ट से बिफोर, आप ये मान के चलें कि ये सभी बैंक्स अपनी जो वैकेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट कर देंगे, साथ ही जो बैलेंस बैंक्स हैं वो भी अपडेट करते हैं।
मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने वैकेंसीज हैं वो उतना ही वो अल्टीमेटली लें, उनमें भी जो कुछ भी प्लस और माइनस हुआ है वो भी वो रिपोर्ट कर पाएंगे। तो अपने ये मान के चलें कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा मतलब एंड ऑफ जनवरी तक तो एटलीस्ट ये सभी बैंक्स भी रिपोर्ट कर देंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे 10 times तो एक बड़ी संख्या अपने को रिजल्ट में स्क्रूटनाइज बच्चों को देखने को मिलेगी, तो डायरेक्टली आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो इसके लिए पैनिक मत होइए। अब रहा ये कि जो बच्चे एग्जाम जिन्होंने दे लिया है तो वो अब इस बैलेंस पीरियड को किस तरह से करें, तो सबसे पहले आप देखिए अब आपका SBI PU प्री का बड़ा एग्जाम है, राइट। तो आप जिन भी बच्चों ने क्लर्क प्री का दिया है ओबीएस वो PU प्री का भी दे सकते हैं, भाई वही ग्रेजुएशन है वही सभी कुछ है, कोई वही सब्जेक्ट से कोई नई चीज है नहीं, तो आप वो एग्जाम दीजिए और पूरे फोकस के साथ दीजिए। और अब इसमें एक काम जरूर कीजिए कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस है क्लर्क प्री में कैसी रही उसी के अकॉर्डिंग, अगर आप क्रेक के बहुत नजदीक हैं तो आप प्री पे कुछ टाइम फोकस कीजिए, बाकी बैलेंस आप मेंस की क्लासेज अटेंड कीजिए। और अगर जो बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे ज्यादा टाइम फोकस करें प्री की तरफ और कम टाइम मेंस की, लेकिन करें दोनों की तरफ, क्योंकि प्री और मेंस को 1x1 एग्जाम लेके आप कभी मत चलिएगा, साइमल्टेनियसली ही हमेशा क्रेक होंगे। और अभी आप थोड़ा सा मोर अगर SBI PU प्री पे भी फोकस करेंगे तो SBI PU प्री भी आप देखिए आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और हो जाएगा, उसके बाद भी आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा क्लर्क मेंस के लिए, राइट। और जो PU प्री में अच्छा स्कोर करेंगे वो PU मेंस के लिए भी उनको टाइम मिलेगा SBI का। तो आप अब इस जो टाइम है इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए और बिल्कुल जितना भी अटेम्प्ट किया बस आप अपने आप को एनालाइज जरूर कीजिए उसमें कि बस जितना कि मैं जितना कर पाया हूँ इतना का स्कोर है, अब तक आपको ये भी अंदाजा थोड़ा बहुत लग गया होगा या प्रीवियस रिकॉर्ड ट्रैक कर लीजिए कि कितने तक कट ऑफ रहती है। आप उसमें सेलेक्ट हो नहीं हो वो तो डेफिनेटली इश्यू है, बट आपको उसको अदरवाइज नहीं लेके आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करके ये देखिए कि अब मुझे प्री पे फोकस कितना करना है और मेंस पे कितना, और अकॉर्डिंगली इस टाइप का यूटिलाइज कीजिए। अब जो अपने चैनल का मैं कहूँ तो अपने चैनल पे प्री और मतलब दोनों के क्वांट और रीजनिंग के प्री और मेंस की क्लासेज चल रही है, लाइव क्लासेज है। प्री का आपका क्वांट में 6:15 PM है जो SBI PU प्री में अब कन्वर्ट कर दिया, और जो मेंस का सेशन है वो 9:15 PM पे, ये मिक्स है आपका क्लर्क और PU मेंस दोनों के लिए। इसी तरीके से रीजनिंग की दो क्लासेज चल रही ये भी लाइव है। प्री का आपको चल रही है ये 7:45 PM जो SBI PU प्री को लेके फोकस किया हुआ है, और जो मेंस है वो यहाँ 11:30 AM है, ये मिक्स है बोथ क्लर्क एंड PU मेंस के लिए। तो सभी लाइव क्लासेस हैं 100% फ्री है, तो एटलीस्ट आप एक बार इन सेशंस को आके देखेगा जरूर, दो दो तीन तीन अटेंड कर लीजिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप किट कर लीजिए। और इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया सेशन आना हो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी अगर अपलोड हुआ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी इच्छा है जब देखें तब देखें, नहीं देखें नहीं देखें, बट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट, अपडेट रहेंगे आप। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।